से हुआ, कहाँ से बिलोंग करते हो? बेसिकली मेरा नाम पहले मैं काजी जाधव हूँ और बेसिकली मैं एक राजस्थान के बहुत छोटे से जिले से रहने वाली हूँ, करौली, और मैं अभी वर्तमान में ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में रह रही हूँ। फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली कोई ज़्यादा हाई प्रोफाइल फैमिली नहीं है, लेकिन बहुत छोटी सी फैमिली से और बहुत छोटे से ग्राउंड से मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया है। अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद मेरी शादी हुई थी सन 2003 में ग्वालियर में, जहाँ से मुझे काफ़ी प्रताड़नाएं और सारी चीज़ें देखने को मिली थी कि प्रताड़ना होती क्या है, और उन सारी चीज़ों से उठने के बाद, उन सारी बातों को सहन करने के बाद भी मैंने अपने आप को कायम रखा और आगे मुसीबतों को झेलने के बाद अपने आप कामयाबी हासिल करने के लिए मैंने लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना किस तरीके से सीखा और उसी रास्ते पर आज मैं चल रही हूँ। कहाँ से शुरुआत की अपने ज्वाला शक्ति संगठन की, कैसे शुरुआत की? ये सन 2014 की बात है जब मेरे पापा ब्रेन हेमरेज से एक्सपायर हुए थे, और उसके बाद मैं बुजुर्गों की मदद करने के लिए और बच्चों की मदद करती थी, जैसे कि अनाथ आश्रम के जो बच्चे होते हैं, वृद्धा आश्रम के जो लोग हैं, या फिर वो बेटे बहू जो अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं, तो उनकी हेल्प किया करती थी। जब वो बताते थे कि हमारे बच्चों ने हमें घर से निकाल दिया है, तो मैं पुलिस प्रशासन की सहायता से या किसी तरीके से अन्य लोगों की सहायता से उनको वापस से उनके घर में व्यवस्थित कराना, और वहीं दूसरी तरफ अनाथ बच्चों की हम बात करें तो अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा उनको प्रोवाइड करवाना, और इसके लिए अगर उनको कोई भी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एजुकेटेड संबंधित कुछ भी, तो उनको वो प्रोवाइड करवाना, साथ ही उनकी शादी ब्याह से लेकर जो भी होता था मेरे पे जितनी मदद बनती थी वो मैं करती थी, चाहे मैं सरकार से मदद दिलवाऊँ या पर्सनली अपने ग्रुप से। तो जब ये धीरे धीरे कारवा चला तो वो कहते थे कि जब मैं अकेली थी उस वक्त, लेकिन लोग जुड़ते चले गए और कारवा बनता चला गया, और वहीं से हमने इस संगठन को नाम दिया ज्वाला शक्ति संगठन, जो कि सन 2013 में हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया था। 2014 में एक ग्वालियर के शहर केवल जिले में संबंधित था और वहीं से चलता था जी। लेकिन जब इस दौरान मैंने देखा कि हमेशा एक महिला हो वो प्रताड़ित हो, ये जरूरी तो नहीं है, कई बार रास्ते में ऐसा मिला इस सफर में कि महिलाएं भी प्रताड़ित करती हैं अपने सास ससुर को, महिलाएं भी प्रताड़ित करती हैं अपने पति को। जब ये सारी चीज़ें मेरे सामने आई और उसके बाद से मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ ऐसा करूँगी जो लीक से हटकर हो, क्योंकि हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत चला रही है, बहुत अच्छे स्लोगन जो हमारे सरकार ने दिए हैं, लेकिन कहीं भी उन स्लोगनों का हमारी जो वास्तविक ज़िंदगी है उनसे कहीं से कोई तालमेल नहीं बैठ रहा था, क्योंकि बेटा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो था ये केवल भ्रूण हत्या को लेकर था, क्योंकि है ना उस समय पर बच्चियों को पैदा होने से रोकना और करना ये सारी चीज़ तो सरकार ने लालच देना शुरू किया कि आप बेटियों को अगर जन्म देते हो इस तरह की स्कीम बना दी कि अगर आप बेटियों को जन्म देते हो तो आपके लिए ये सुविधाएं होंगी, वो सुविधाएं होंगी, उनकी शिक्षा, उनका ब्याह, ये सारी चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं ने और लड़कियों ने उसका गलत मिसयूज करना शुरू कर दिया और कानून का जो दुरुपयोग है वो वहीं से प्रारंभ होता है। इसके लिए मैंने फिर एक तरफ ना होते हुए न्याय के लिए काम करना स्टार्ट किया और निर्दोष बेटों को बचाने का काम स्टार्ट किया, और इस संगठन ने हमारे इस मुहिम को नाम दिया बेटा बचाओ अभियान। बहुत अच्छी बात है, बेटी बचाओ अभियान तो चलते रहता है, बेटा बचाओ आपने शुरू किया, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। तो जब स्टार्टिंग हुई आपकी 2013 में, आप बोल रहे हो, तो पहला कौन ऐसा इंसान था जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया? पहला ऐसा इंसान मेरे साथ के जो लोग थे, जो छोटे भाई कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, वो लोग मेरे साथ में आए, लेकिन सबसे पहला जो मामला था, मुद्दा ये होता है कि सबसे पहला ऐसा कौन सा मामला था जिससे मेरा जो ध्यान है वो इस बेटा बचाओ अभियान की तरफ गया है, कि एक लड़का था और वो किसी लड़की के साथ रिलेशन में था ऐसा मुझे सुनने में आया था। अचानक से पता चला कि उस लड़की ने उस लड़के के ऊपर 2-3 के तहत एक मुकदमा कायम करवा दिया। जब इस मामले की जांच के लिए और लड़के से बातचीत करने के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे भाई के दोस्तों के, तो मैं पता करने के लिए पहुंची, तो जानकारी में आया कि वो एक महिला जो लड़की जो थी वो कोई नाबालिग बच्ची नहीं थी, वो कोई अनमैरिड लड़की नहीं थी, वो एक 2 की माँ थी जो अपने आप में सक्षम है अपना अच्छा बुरा सोचने के लिए। ऐसी महिला का उस अनमैरिड लड़के के साथ अफेयर चला था पिछले 3 से, और अचानक से जब उसके पति को मालूम होता है और उस लड़के के ऊपर 376 के तहत मुकदमा कायम हो जाता है। जब ये जानकारी में आया तो उसके परिवार वालों से बात की गई और पुलिस वालों से बात की गई, किसी भी तरीके से लड़के के ऊपर गलत चार्जेस लगवाने से रोका गया, क्योंकि उस महिला ने ये कह लीजिए बदले की भावना से उसके पति ने उस महिला पर दबाव देकर उस लड़के के भाई के ऊपर, उस लड़के के पिताजी के ऊपर, उस लड़के के चाचा के ऊपर, आप ही बताइए कि क्या कोई पिता या चाचा अपने बेटे के साथ किसी महिला का रेप करने में सक्षम है या साथ दे सकता है?
मेरे ख्याल से ऐसी संस्कृति हमारे देश में तो अभी तक नहीं आई है, ये ना हम विदेश में रह रहे हैं जो इस तरह का माहौल होता है, वहाँ भी ऐसा नहीं है। तो ज्यादा आता है कि जब भी कोई ऐसा मामला होता है तो फैमिली के सारे मेंबर्स को इंक्लूड कर लिए जाते हैं, क्योंकि ये सब तरह एक धन रुपए का एक साधन भी होता है। तो इस मामले में मैंने उस लड़की की मदद की और आज वो लड़का बाहर है। सबसे पहले उसको देख पर एक ही दिन में अग्रिम जमानत पे बाहर लेके आया गया। तो हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि यदि कोई भटकाव आ रहा है, उनको लीगल पेपर कोई मदद नहीं मिल पा रही है, कोई एड्रेस नहीं मिल पा रही है, तो एडवोकेट पैनल जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो उनको हेल्प करते हैं लीगल पेपर। बाकी सामाजिक संगठन के नाते अगर जहाँ मेरा प्रदर्शन के लिए या पुलिस थाने में कहीं मदद की जरूरत पड़ती है तो मैं पहुँचता हूँ उनकी मदद करता हूँ। तो जो आपके पास केसेस आते हैं तो कोई नंबर वगैरह दिया होगा आपने, छोड़ा होगा इस नंबर पे कॉल करिए, आपने अपनी कम्युनिटी में हुई थी उनसे पहले मिलो? नहीं जी, डायरेक्टली वो लोग मुझे पीड़ित कॉल कर सकते हैं और जितनी मैं सक्षम हूँ उतना मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं लोगों से ज़्यादा वार्तालाप कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा उनको मेरी मदद मिल सके। इसके लिए मैंने फेसबुक पर और अपनी ईमेल आईडी वगैरह है वो सब छोड़ी हुई है, मैंने अपना मोबाइल नंबर तक पर्सनल छोड़ा हुआ है जिससे कि वो लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकें। जो कॉन्टेक्ट करने वाले लोग हैं तो वो सारे एक तरह की नहीं होते, अलग अलग सवाल पूछते होंगे आपसे, जैसे मैंने आपकी YouTube वीडियो पे देखा कि आप मैरिड हो अनमैरिड हो ऐसा कुछ पूछते हैं। हाँ, कई बार ऐसे तो आपको अच्छा नहीं लगता होगा, तो ठीक है वो पर्सन किसी भी सवाल होना ही चाहिए, जो प्रॉब्लम है बंदे की वो बंदा को डिस्कस करे। कैसे लगता है आपको, कैसे लगता है कि जब ऐसे लोग सवाल पूछते हैं आपसे? जब इस तरह के लोग सवाल पूछते हैं तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि इन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये अभियान जो चलाया जा रहा है क्यों चलाया जा रहा है। बेटे बचाओ अभियान केवल बेटों के हित के लिए है और आप एक बेटे होकर इस तरह का अहित कर रहे हो तो मेरे ख्याल से ये बहुत गलत चीज है। उन लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि एक महिला होते हुए उनकी बहन, उनकी दोस्त, उनकी माँ, आप इस रूप में मुझे मान सकते हैं और इसीलिए मैं आपकी मदद कर रही हूँ। लेकिन जब वो लोग इस तरह का सवाल करते हैं आर यू मैरिड और नॉट और इस तरह के, तो मेरे समझ में कि उनको मैं क्या जवाब दूँ। फिर इससे ये पता चलता है, मैं इस डायरेक्शन में पहुँचती हूँ कि कहीं ना कहीं इनको मेरी मदद की जरूरत नहीं है, केवल ये टाइम पास कर रहे हैं। तो इसी तरह से उनके एक या दो सवालों के जवाब होने के बाद उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, चाहे वो फेसबुक हो या व्हाट्सअप हो। उसके बाद जो हमें लगता है कि पीड़ित है वास्तविक रूप से उन्हीं लोगों से ज़्यादातर बातचीत होती है। मैडम आपके साथ लेडीज़ कितनी जुड़ी हैं? ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है। एक्चुअली क्या है कि आप सब जानते हैं कि बेटा बचाओ है और बेटियों के कहीं ना कहीं महिलाओं के विरोध में है। मैं ये नहीं कहती कि सारी महिलाओं के विरोध में है, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि जो महिलाएं कानून का दुरुपयोग करती हैं हम केवल सिर्फ उनके विरोध में। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि उन महिलाओं को सोचना चाहिए जो कहीं ना कहीं उन पुरुषों की बहन, उन पीड़ित पुरुषों की बहन है, पत्नियाँ हैं, माताएँ हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि ये हमारे हित के लिए है। लेकिन वो महिलाएं भी आगे निकल कर नहीं आती हैं, कुछ महिलाएं हैं, ज़्यादा तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन हर राज्य से करीब 10 से 15 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो किस तरह से आपने जोन्स बनाए हैं अपने अलग अलग शहरों में, या किस तरह से काम करती है आपकी जो टीम है? मेरे अंदर में जो है वो स्टेट के जो लोग हैं, राज्य प्रभारी हैं, केवल वही लोग हैं, फिर उनके अंदर में हर जिले का प्रभारी काम करता है, फिर उनके साथ जिला संयोजक वगैरह इस तरह की कमेटी बनाई हुई है पूरी। तो जिला जो राज्य प्रभारी है केवल उनको मेरे निर्देश रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो सब काम करते हैं। तो अभी सबसे पहले हमने जागरूकता अभियान चलाया था, लोगों को पहले जागरूक, क्योंकि पुरुष को जागरूक करना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पुरुष को कहीं ना कहीं वो इस भावना का शिकार हो चुका है कि किसी महिला ने अगर उसके ऊपर कोई आरोप लगा दिया जाता है या उसकी पत्नी ने उस पर कोई आरोप लगा दिया घरेलू हिंसा का, तो वो अपने आप में घुट के जीने वाली स्थिति हो जाती है कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ, तो मतलब मैं मर्द कहलाने लायक नहीं हूँ, इस तरह की उनकी भावना हो चुकी है। तो सबसे पहले उनको एक वाहन रैली हमने निकाली थी बेटा बचाओ करते हुए, ताकि उन पुरुषों को ये लगे कि हमें कुंठित होने की आवश्यकता नहीं है, कुंठित होना ही महिलाओं को होना चाहिए जो केवल धन उगाही के लिए हम लोगों को माध्यम बना रही है और शादी भी सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि अपने मायके में रहकर जिंदगी भर आराम से ये कला 125 धारा लगा दीजिए और आराम से अपने महीने के मासिक खर्चा पानी मिलता रहेगा। तो आप ये समझिए आजकल शादी जो रहा है कोई भावनात्मक या ऐसा कोई बेस नहीं रह गया है, केवल ये धन उगाही का रह गया है। जिसको बाहर जाना होता है, कोई लड़की है वो अपनी फीस नहीं भर पा रही है, वो किसी भी लड़के को देखती है जिसकी जमीन ज्यादा अच्छी हो उससे अपनी पूरी फाइल लगवा देती है, कनाडा चली जाती है, लड़का बेचारा वो यहीं रह जाता है। कई मामले मेरे नज़र में ऐसे आए हैं। तो बस वही निर्देश रहते हैं राज्य प्रभारियों को, फिर राज्य प्रभारी अपने जिले प्रभारियों को निर्देश देते हैं। दूसरा मेरा वाहन रैली के बारे में अभियान रहा था लोगों को हस्ताक्षर अभियान करके मैंने उन लोगों को जागरूक किया और अपने साथ जोड़ा जो लोग इन समस्याओं से पीड़ित थे या फिर आगे आना चाहते थे और इस मुहिम में शामिल होना चाहते थे। उन लोगों ने भी आकर अपना समर्थन दिया और कई जगहों में हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया। साथ ही इसके बाद तीसरा जो अभियान था वो हमारे लिए बहुत ही एक, चाहे आप उसको कॉमेडी कह लीजिए चाहे कुछ भी, लेकिन जो बच्चों की दूध की बॉटल आती है, आई थिंक जो नवजात
सात शिशु होते हैं, उनके दूध की बोतलें होती हैं और एक दूध की थैली, ये हमने हर थाने में बांटी थी। और पुलिस वालों को ये संदेश दिया था कि आज से अगर आपके पास कोई 18 वर्ष से ऊपर अधिक उम्र की महिला आती है और कहती है कि उसके साथ इस तरह की घटना हुई है, जैसे कि उसको पहला फुसला कर कोई लड़का ले गया और उसके साथ बलात्कार हो गया, तो मेरे ख्याल से वो एक नवजात शिशु के रूप में हमारे लिए, क्योंकि हमारे भारत देश का संविधान ये कहता है कि 18 वर्ष से ऊपर के मेल हो या फीमेल उसको वोट देने का अधिकार भी है। तो वोट देने का मतलब ये है कि वो अपना अच्छा बुरा सोचने के लिए सक्षम है। तो क्या कोई महिला ये नहीं समझ सकती कि कोई व्यक्ति उसको अगर अकेले में ले जा रहा है या कहीं ले जा रहा है या हमें खाने पीने की चीज दे रहा है, जबकि इन छोटे बच्चों को भी समझाया जाता है कि ट्रेन में सफर मत कीजिए, अगर आपको कोई खाने पीने को देता है तो आप मत लीजिए, तो क्या वो महिला सक्षम नहीं है? इसलिए हमने वो सारी दूध की बॉटल्स और ये सब वितरित किया था कि आप इन महिलाओं को इनको दीजिए, पहले इनको दूध पिलाइए बॉटल से, उसके बाद अगर ये कहती हैं हम अभी नवजात हैं तो फिर इनको मानसिक रूप से चिकित्सा की भी जरूरत है, फिर इनको हॉस्पिटल भी भेजिए, क्योंकि अगर ये एक बार इनके साथ ऐसा हो चुका है तो भविष्य में होता रहेगा। मैम आपने जो शुरुआत की तो आपने कहा कि छोटे से गांव से हूँ, तो किस तरह से दिमाग में ये ख्याल आया कि बेटा बचाओ अभियान करना है, ये किस तरह दिमाग में आया? देखिए सीधे रास्ते पर तो कहते हैं लोग चलते ही हैं, लेकिन कभी कभी आपने देखा है कोशिश की है कि रोज रास्ते पर एक रोड पर सीधा व्यक्ति दौड़ रहा हो बहुत आसान होता है, लेकिन यदि उसी व्यक्ति को बोल दिया जाए कि उल्टा दौड़ कर दिखाओ तो बहुत मुश्किल होता है, लीक से हटकर होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम कुछ लीक से हटकर काम करते हैं और उसमें कामयाबी हासिल हो, अगर जीत निश्चित हो तो कहते हैं कि युद्ध में कोई भी शामिल हो सकता है, लेकिन जीत अनिश्चित हो और युद्ध कोई करना चाहे तो ये बहुत बड़ी संघर्ष वाली बात होती है। तो मेरी शुरू से एक सोच थी कि मुझे कुछ करना है, अलग हटकर करना है, और मुझे लगा कि शायद मैं इस काम को करती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी पहचान और लोगों को न्याय दिलाने के लिए ज्यादा जरूरी है और मुझे इस रास्ते पर काम करना चाहिए। आपकी फैमिली कितना सपोर्ट करती है इसमें? एक्चुअली मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, अभी एक ब्रेक मैंने का खुलासा किया था, मैंने ग्वालियर शहर में एक लड़की थी जिसने व्यापारियों के ऊपर दुष्कर्म का मामला लगाया था, और जबकि आप ये सब जानते हैं कि आजकल ये सारी चीज़ें राजी से होता है, ऐसा विद कंटेस्ट होता है, लेकिन आजकल लड़कियों ने ये देख लिया है कि अगर इसने मेरे साथ ऐसा किया है और अगर मैं इस पर रेप का केस लगाती हूँ तो 10-20 लाख रुपये और मिल सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से ये मामला था जिसमें पूरे एविडेंस मेरे पास था, और इस मामले के खुलासे के लिए जब मैं हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जा रही थी, 6 जुलाई 2018 की बात है, और 5 जुलाई 2018 को मैं अपने घर के पास अपने काम से गई थी, उसी समय एक लड़के ने मेरा रास्ता रोका और बहाने से मेरा एक पता पूछने के बहाने से मुझे गोली मार दी। तो गोली मेरे पेट से आर पार हो गई, लेकिन मैंने अपने घर वालों को और सबको किया, मेरे घर वाले मुझे अब ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, उनका कहना है कि जिस काम में खतरा है तो उस काम में ना हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि मौत और ज़िंदगी जो है वो ऊपर वाले ने हमको दी है, अगर ऊपर से हमें ये लिख दिया है कि इस दिन हमारी डेथ निश्चित है, मरना निश्चित है, हमारी मौत निश्चित है, तो फिर उसको तो कोई नहीं रोक सकता है। मेरे घर वाले तो क्या, शायद मेरे घर से कोई भी फरिश्ता आ जाए वो नहीं रोक पाएगा। और मेरी सोच ये है कि अगर जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं और अगर हमें कठिनाइयाँ मिल रही हैं, मेरे पापा कहा करते थे कि जिस दिन आपके रास्ते में कोई मजबूरी या कोई परेशानी नहीं आए तो आप समझ लीजिए कि गलत रास्ते पर हैं, क्योंकि सही रास्ते पर ही परेशानी आती है। किसी लड़की ने आपको गोली मार दी, किस तरह का इंसिडेंट आपके साथ हुआ, तब आपको कैसा लगा कि मैं काम आगे और जोरों से करूंगी या फिर छोड़ दूंगी, क्या दिमाग में आता है? नहीं, ये मेरा एक वीडियो आप देख सकते हो कि जब गोली लगी थी और 11 जुलाई को मैं घर आ चुकी थी हॉस्पिटल से, और 11 जुलाई को घर आने के बाद सबसे पहले मैंने सारे काम छोड़कर एक वीडियो डाला था, और उस वीडियो में ये कहा था जिसने भी गोली मारी थी या जिसका भी ये काम था, मैंने उसको कहा था कि देखिए जो मैं करती थी अब मेरा साहस आपने दोगुना कर दिया, क्योंकि एक ही डर था मेरा, एक ही डर था वो मौत, वो भी आपने निकाल दिया है। तो मौत से जो इंसान उठकर आ चुका है, और या फिर मैं ये मानती हूँ ईश्वर ने अगर मुझे उस जगह से बचाया है तो कुछ ना कुछ करने के लिए बचाया है, तो साहस और जो कहते हैं झूठ था वो और दुगना हो चुका है। इसीलिए अकेले अपने रास्तों पर निकल चलते हैं, जब भी हमें कुछ ऐसा मिलता है कि कोई संदिग्ध या इस तरह की परेशानी कोई गुंडा घेरे रहे, तो मैं आज भी बिना सोचे समझे चल देती हूँ। पुलिस की बहुत बड़ा रोल होता है, जब भी कोई केस आता है आपके पास तो पुलिस का तो जो भी कंप्लेंट लेडीज करती हैं तो नेचुरली पुलिस के पास जाएगी, तो पुलिस कितना साथ देती है आपने? देखिए पुलिस को मैंने कई तरीके से जागरूक करने की कोशिश की, मैं रक्षाबंधन पर हर साल एक त्यौहार को इस तरह से मनाती हूँ कि मैं हर थाने जाती हूँ और पुलिस वालों को राखी बांधती हूँ, जब बदले में वो अपनी बहन को उपहार देते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ कि ये उपहार मुझे नहीं चाहिए, अगर कोई उपहार आप देना चाहते हो तो मुझे ये दीजिए। जब भी कोई निर्दोष व्यक्ति या कोई पीड़ित पुरुष आता है और कोई महिला
उसके खिलाफ कंप्लेन करना चाहती है तो आप उस पर निष्पक्ष रूप से जांच कीजिए और उस पुरुष को अगर वो निर्दोष है तो बचाने की कोशिश कीजिए, अगर वो निर्दोष नहीं है तो आप स्वाभाविक रूप से उसके ऊपर जैसी कार्रवाई करनी आप कीजिए। ठीक है, कई पुलिस वालों का इसमें मुझे पॉजिटिव रोल लगा। उन लोगों ने जब मेरे रक्षाबंधन के ठीक उसके बाद मुझे फोन आया, मैडम इस तरह की बात है कोई पीड़ित है, तो वो लोग मुझे खुद ही तरीके से जानकारी दे देते हैं, मैं उनकी मदद के लिए पहुँचते हैं। लेकिन वही कोई पुलिस वाले जहाँ एक कहते हैं कि वर्दी पर धब्बा है या कलंक है हमारे देश के ऊपर, तो ये भी देखने को मिलता है कि लोग नहीं सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब तक एक मामला मेरे पास और भी आया जिसमें ग्वालियर शहर के थाना प्रभारी हैं उन्हीं के ऊपर 376 का मुकदमा कायम था, उनको किसी तरीके से बचा लिया गया। जब वो मेरे पास आए थे तो मेरा पहला सवाल था, कई पुलिस वाले मेरे पास आ चुके हैं मदद के लिए, तो मेरा उनसे पहला सवाल ये रहता है कि आप ये बताइए कितनी FIR थी जो आपने झूठी काटी है, क्योंकि आज आपको पता चला कि क्या दर्द होता है जब 376 या कोई पत्नी अपने पति पर आरोप लगाती है। आप ये देख सकते हो अभी कानपुर जिले का हमारे कोई अभी 2018 की बात है, एक IPS ऑफिसर ने अपनी जान दी थी अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर। तो आप ये देखिए कि महिलाएं कितना आगे बढ़ चुकी हैं, और जहाँ एक तरफ महिला ये कहती है मैं अवला हूँ मुझे आरक्षण चाहिए, जहाँ एक महिला ये कहती है मुझे गरीबी रेखा का, या एक महिला ये कहती है मुझे महिला होने का पूरा फायदा चाहिए, वही महिला कहीं ना कहीं कानून का दुरुपयोग करने को होती है, वही महिला अपने आप को ये बताती है कि मैं सब कुछ करने के लिए सक्षम हूँ। तो महिला अवला है या सक्षम है ये तो खुद ही वो महिलाएं जानती होंगी, क्योंकि जिस तरीके से पुरुष के दो हाथ पैर होते हैं उस तरह महिलाओं के भी होते हैं। तो हमें जरूरी नहीं है कि किसी पति पर 125 लगाएं और जिंदगी भर बैठे कमाई खाएं। अरे दो पैर हाथ पर दिए हुए ईश्वर ने जो पुरुष को दिया है या आपको दिया है तो उससे बेटर है कि आप भी कहीं रास्ता देखिए, कमाइए, खाइए, मजदूरी कीजिए और अपना परिवार को पेट भरिए। आपको ऐसे लगता है कि जो हमारा कानून बना हुआ है थोड़ा सा तो वो लेडीज के फेवर में ज्यादा है? जी बिल्कुल है, लेडीज के फेवर में सारे कानून बने हुए हैं, और यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ पर कुत्ते बिल्ली के लिए कानून है, पेड़ पौधों के लिए कानून है, सड़क के लिए कानून है, अगर हम सरकारी संपत्ति को नष्ट करते हैं उसके लिए कानून है। लेकिन पुरुष एक ऐसा मतलब ये कह दीजिए ना तो उसकी गिनती जानवरों में हो रही है, ना पेड़ पौधों में हो रही है, ना ही किसी जीव जंतु में हो रही है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। तो हमारे देश को सोचना चाहिए, जबकि हमारे भारत देश में मेरे ख्याल से 100% रहा है कि जो मेल जो है वो सबसे ज़्यादा हार्डवर्क करता है, गवर्नमेंट जॉब में भी है और हर तरीके से मेल पुरुष का जो आंकड़ा है वो ज़्यादा है। तो ये तो मेल पर्सन को सोचना चाहिए जो इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, जज बैठे हुए हैं, कई बार हमें सुनने को मिलता है कई बार जज ही मुसीबत में आ जाते हैं, कई बार वकीलों ने प्रताड़ित होकर, तो ये कब सोचा जाएगा और किस वक्त? अभी तो हम लोग चलो ठीक है कुछ संगठन लोग मिलकर काम कर रहे हैं, पुरुषों की हेल्प करते हैं, लेकिन कब तक? इसके लिए पुरुष आयोग बहुत जरूरी है। ज्वाला शक्ति ये नाम कहाँ से है? एक्चुअली जैसा कि कई लोगों ने मेरे को नाम सुने, जब मैं इस संगठन को बनाने वाली थी तो मैं सोचा था कि इसका नाम क्या रखना चाहिए, तो कुछ लोग बोले कि जागृति रख दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, मैंने कहा तो अंदर एक जो भावना रहती है वो मेरे अंदर एक जो जुनून जिसको कहते हैं, तो मैंने ज्वाला जैसे वो ज्वाला जब तक चलेगी, तो कई बार लोग इस नाम को बदल ले जाते हैं कि ये फीमेल जैसा नाम है ज्वाला तो ये महिलाओं के लिए बना हुआ है, ऐसा नहीं है। ज्वाला जो है ज्वाला जब तक एक चिता में आग लगती है वो भी एक ज्वाला होती है, जब तक वो शांत नहीं होती, और एक अंदर इंसान के अंदर जो कोई जुनून होता है, द्वेष होता है, या फिर ये कह दीजिए कि वो किसी भी हद को पार करने वाला होता है, वो भी एक ज्वाला होती है जो सही काम के लिए जलाई जाती है, और वो ज्वाला जब तक शांत नहीं होती तब तक वो काम खत्म नहीं होता, जब तक वो काम खत्म नहीं हो जाए तब तक ज्वाला शांत नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए ज्वाला को जलाया गया है कि अंत तक जब तक ये सांस है तब तक देश हित के लिए, पुरुष वर्ग के लिए मैं काम करती रहूँगी, और इसीलिए इसका नाम ज्वाला शक्ति संगठन रखा गया। आपने इसको 2013 में स्टार्ट किया, 2019 आ गया, तो कितनी प्रोग्रेस आपने की है अब तक? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2013 में हमने स्टार्ट किया था, तब मैं बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए काम करती थी, अनाथ ऑफेंस चिल्ड्रन के लिए, बट जब 2014 में मैंने देखा कि कुछ लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और मैंने कुछ बच्चों की मदद की या अब लोग आगे आने लगे हैं मदद के लिए, तो 2015-16 तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन 2017 से ये बेटा बचाओ अभियान शुरू किया गया है, और 2017 के दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया, तो हमें इतना सपोर्ट मिला लोगों का कि 3 महीने हो गए थे, 3 महीने के अंदर दिसंबर जनवरी फरवरी 2018 फरवरी में हमें 12 स्टेट के लोगों का सपोर्ट मिल गया था और काम करना हमने स्टार्ट किया। उनकी सोच से कुछ एडिट हो जाएगा तो गवर्नमेंट और कुछ अभी ये 20 मिनट के इंटरव्यू हो चुके हैं, 20 भी हो चुके हैं, बहुत हो गए, आधा घंटा चला देंगे और 10 मिनट का भी कर सकते हैं, नंबरिंग भी पड़ेंगे ना, वैसे भी बहुत बोलते हो।
सही बोलते हैं जो आ रहे हैं, बोलते बोलते चलो।